नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि आरएलजेडी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। हालांकि एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा नहीं किया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ वो फरवरी में धनाधन रैलियां भी करने जा रहे हैं। आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी प्लानिंग कर ली है। तो इस खबर में आपको हम बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी आगे की रणनीति क्या होगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी, जहानाबाद, सुपौल और झंझारपुर लोकसभा सीट पर दावा ठोक रहे हैं। इन सीटों पर वो अगले महीने यानी फरवरी में धनाधन रैलियां करने वाले हैं। आरएलजेडी ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। आरएलजेडी के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने बुधवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरवरी में 4 बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पहली रैली 5 फरवरी को सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में होगी। इसके बाद 16 फरवरी को सुपौल में, 17 फरवरी को झंझारपुर और 18 फरवरी को जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में विशाल रैलियां आयोजित की जाएगी। इन सभी रैलियों को आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करेंगे। बता दें कि एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार की कम से कम 3 लोकसभा सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे सकती है, उसमें झंझारपुर और सीतामढ़ी प्रमुख है। कुशवाहा की नजर जहानाबाद और सुपौल लोकसभा सीट पर भी है। जहानाबाद में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी दावा किया है। ऐसे में सीट बंटवारे के समय एनडीए में गुत्थागुत्था हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले साल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू का साथ छोड़ा था। इसके बाद उन्होंने आरएलजेडी नाम से अलग पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ गठबंधन किया। कभी नीतीश के करीबी रहे कुशवाहा आगामी लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ नजर आएंगे। तो बताया मैंने आपको इस रिपोर्ट में कि कहां कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, किस तरीके से कहां कहां रैलियां करने जा रहे उपेंद्र कुशवाहा, इसकी सारी जानकारी हमने आपको विस्तार से दिया इस रिपोर्ट में। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आता है, क्योंकि अभी तक एनडीए में सीट को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है और इससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने 4 सीटों पर दावे ठोक दिए हैं। तो क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।